राजनांदगांव नगर निगम कार्यालय परिसर में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन लोगों को उपलब्ध कराने के लिए गढ़ कलेवा का शुभारंभ किया गया। वहीं इस गढ़ कलेवा को महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें चिल्ला चौसेला सहित छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन इस गढ़ कलेवा में बनाए जाएंगे और लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश भर के कई जिलों में गढ़ कलेवा की शुरुआत छत्तीसगढ़ी परंपरा अनुसार खान पान को बनाए रखने के लिए की गई। वहीं अब इसका शुभारंभ राजनांदगांव नगर निगम कार्यालय परिसर में भी किया गया, जहां लोग छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन का लुफ्त उठा सकेंगे। सबले पहली तो राजनांदगांव के हमर जम्मो संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा जोहार। आज छत्तीसगढ़ के परंपरा संस्कृति ला अच्छा बनाए बर हमर मुख्यमंत्री जी है 2 साल पहले घोषणा कर रही से गढ़ कलेवा की स्थापना के, और एक स्थापना हमारे यहाँ शहर में लगातार जगह जगह होते। एक चलत में हमर नगर निगम में गढ़ कलेवा खोले हैं, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के विलुप्त होते कही थे ना कि छत्तीसगढ़ के व्यंजन में नंदा थे, वही व्यंजन ल उभारे बर यहाँ पे चीला फरा गुलगुला भजिया ठेठरी खुरमी पीड़िया ऐसी चीज़ के निर्माण करते थे, ताकि हमर छत्तीसगढ़ के जनता हमर छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़े व्यंजन ल जाने पहचाने और खाए। काबर छत्तीसगढ़ी व्यंजन है अब्बड़ मिठास रहते हैं, में अब्बड़ गुत्तर होते हुए, और एक सती सब कोई बोलते कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। TCP 24 राजनांदगांव से विप्रो कन्हैया की रिपोर्ट।